हेलो डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऑर्गेनिकली करेला घर पे ग्रो करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो पूरा देखिए एंड तक और आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। करेला बेसिकली देखा जाए तो बहुत मेडिसिनल है, औषधीय गुण उसके बहुत ज़्यादा है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर कोई करेला का सेवन करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। और बेसिकली द थिंग इज़ कि करेला ग्रो करना बहुत आसान होता है। आपको ये प्लांट जो है इसमें कोई भी ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं होती है। आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये पका हुआ करेला है, जो ग्रीन कलर के करेले होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं। अगर आप देखोगे तो उसमें कई बार एक आध दूसरा येलो कलर का भी करेला होता है। तो आप जो ये जो येलो कलर का करेला होता है, पीले कलर का, आपको क्या करना है, उसको पूरी तरह से बीच में से काट देना है। तो उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो लाल कलर के होते हैं। लाल कलर के बीज ही है आपको लेने हैं जब आपको कोई भी प्लांट लगाना है। करेले का प्लांट अगर आपको लगाना है तो उसके लिए आप लाल कलर के बीज ले सकते हो। इसके बीज ऑनलाइन भी मिलते हैं, बट जो चीज़ आपके मार्केट में पास में मिल रहे हैं तो उसके ऑनलाइन लाने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको पीला कलर का करेला नहीं मिल रहा है तो आप जब करेला की सब्जी लाते हो तो एक आधा करियल बाहर रख दीजिए, करेला बाहर रख दीजिए, वो कुछ ही दिनों में पीला पड़ जाएगा। इसका मतलब वो राइप हो गया है और रेडी फॉर जर्मिनेशन हो गया है। तो आप इस तरह से करेला का पौधा आराम से लगा सकते हो। अभी बात करते हैं इसके पॉटिंग मिक्स की। तो पॉटिंग मिक्स जो होता है वो आपको यहाँ पे जो नॉर्मल हम रेगुलरली जो लेते हैं कि 40% आपको कोई भी गार्डन सॉइल चाहिए, फिर 10% रिवर सैंड चाहिए और 50% आप कोई भी मैन्योर ले सकते हो, खातर ले सकते हो, फर्टिलाइज़र। मैं रिकमेंड करूँगी ऑर्गेनिक ही लेना, केमिकल वाला नहीं यूज़ करना क्योंकि हम खाने वाले हैं। ऑर्गेनिक में आप कोई भी अच्छा ऑर्गेनिक वाला ले सकते हो, फिर नीम खली डालनी पड़ेगी, वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। फिर आपको ये जो होता है राइस का ब्रांड का जो केक वो डालना पड़ेगा, कोई फंगीसाइड डालना पड़ेगा क्योंकि करेले की जो सब्जी है उसके रूट्स में रूट रॉट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये आप देख रहे हो, ये है जियो मैन्योर का पॉटिंग मिक्स। जियो मैन्योर डालने के बाद का जो पॉटिंग मिक्स है वो है। तो मैं हमेशा जियो मैन्योर रिकमेंड करती हूँ क्योंकि उसमें ऐसे तत्व है कि आपको कुछ और इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना फंगीसाइड ना कुछ। सो मेरे लिए परफेक्ट जो मुझे लगता है सारे प्लांट्स के लिए वो है जियो मैन्योर। पीएच वैल्यू भी आराम से वो बैलेंस कर देता है तो वो भी कोई इशू नहीं आता। जियो मैन्योर हर प्लांट के लिए परफेक्ट है क्योंकि जियो मैन्योर एक ब्लेंड है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का और इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं जो नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि बेनिफिशियल सॉइल माइक्रोब्स। तो मैक्सिमम काम यहाँ पे जो खाद न्यूट्रिएंट्स पहुँचाने का है प्लांट्स को, वो जियो मैन्योर खुद ही कर लेता है। आपको अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें सेकेंडरी हार्मोन्स, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स सिक्रेट करने वाले माइक्रोब्स भी डाले जाते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है और बहुत सारे हैं। तो उन्हें चुन चुन के हेल्दी बना के डाले जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके प्लांट की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है, रूट सिस्टम स्ट्रांग बन जाती है। तो कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो प्लांट में इतनी रोग प्रतिरोधक इसकी शक्ति होती है कि उसकी इम्यूनिटी बहुत इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कोई भी इन्फेक्शन को स्टॉप कर सकता है। अब रही बात पॉट साइज़ की, तो मिनिमम 8x8 का पॉट होना चाहिए। अगर बड़ा है तो बहुत अच्छा है, इसका रूट जितना डीप जाएगा उतना अच्छे से उसको ग्रोथ हो जाएगी। जो करेले है आपके वो फास्ट लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ज़्यादा करेले लगने स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए कंटेनर जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। इस प्लांट के ड्रेनेज होल जो होते हैं कंटेनर के, वो ज़्यादा होने चाहिए। जहाँ आप 3 रखते हैं वहाँ पे मिनिमम 5 होने चाहिए क्योंकि पानी थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है तो ये प्लांट मरने के चांसेस बहुत होता है। इसलिए आपको 5 मिनिमम ड्रेनेज होल्स रखने हैं। और जब भी आप पॉट भरते हो तो पॉटिंग मिक्स भरने के पहले उसमें थोड़े से छोटे छोटे पत्थर डालो। उसके बाद आपको क्या करना है, पत्थर डालने के बाद आपको
मिट्टी डालनी है। मिट्टी की एक लेयर डालने के बाद आप सूखे पत्ते या कुछ डाल सकते हो, उसके ऊपर सारी मिट्टियाँ डालें। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये करेले के सिर उसमें डालने हैं। फिर विद इन 2 वीक्स इसका जर्मिनेशन होके ये अच्छी खासी ग्रो होने लगती है, और 2 महीने के अंदर आपके करेले अच्छे से आने लगते हैं। इसमें पॉलिनेशन का कोई इश्यू नहीं आता है। अगर मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस प्रोपोर्शन में डाले होते हैं तो ये करेले का प्लांट अच्छा चलता है, बहुत ज़्यादा करेले देता है। अब तोड़ तोड़ के थक जाओगे, इतने करेले देते हैं और फुली ग्रो हो जाते हैं करेला। और जब आपको नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आपको सीड्स प्रिजर्व करने हैं तो एक हाथ दूसरा करेला आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, वो रेड कलर का हो जाएगा, फिर उसको निकाल के आप सीड्स को क्या कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो नेक्स्ट सीजन के लिए जब भी आपको यूज़ करना है। ये करेले की मैं हमेशा जब टेरेस गार्डनिंग करती हूँ तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि 2 करेले के पौधे मैं पहले लगाती हूँ, फिर 2 महीने बाद और 2 करेले के पौधे लगाती हूँ। यही स्ट्रेटजी मैं किचन गार्डन जब बनाती हूँ लोगों के लिए, जब मैं आई वर्क एज अ कंसल्टेंट फॉर किचन गार्डन, तो हम ऐसे बेसिस पे लगाते हैं कि 2 महीने बाद का गैप रख के दूसरा प्लांटेशन हम चालू करते हैं। इससे क्या होता है, ये दो पहले के प्लांट का सीज़न ख़त्म होता है तब तक दूसरा हमारा जो प्लांट चालू था सेकेंड बैच वो हमें ग्रोथ देना स्टार्ट करता है। तो घर पे हमें सब्जियां मोस्टली कहीं से भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम घर पे इन सारे सब्जियों को रेगुलर बेसिस पे हमें मिल जाते हैं, क्योंकि हम इस स्लैब के इसमें हम पौधों को लगाते हैं, वेजिटेबल्स को लगाते हैं। पालक में भी वही करते हैं हम, 3 से 4 डिश हम लगा ही देते हैं, टब लगा ही देते हैं पालक के। तो इससे क्या होता है, पालक कंटिन्यूसली चारों रहता ही है, हमें पता है 1 साल तक पालक ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम दूसरा पालक का टैब लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे पास 8 पालक के हो गए। तो एक जैसे जैसे कम होने लगता है दूसरा वैसे ही चालू हो जाता है। फिर जब पहला वाला जो बैच होता है वो पूरी तरह से ख़त्म होने लगता है तो उसके बाद हम उसी के ऊपर कुछ भी नहीं करते, उसके ऊपर हम जियो मैन्योर डाल के फिर ऊपर से सिर्फ थोड़ी सी गार्डन सॉइल डाल के हम जर्मिनेशन नए कोई भी सब्जी या कुछ भी लगा देते हैं। उस पालक के कंटेनर में फिर से हम पालक नहीं लगाएंगे, हम उसमें क्या करेंगे, पहले तो ग्राउंडनट लगाएंगे 2-4, उसके बाद हम कोई और सब्जी लगाएंगे, पालक नहीं लगाएंगे। ऐसे हम रोटेशन में वेजिटेबल्स को रखते हैं। इससे क्या होता है, सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स कम नहीं होते हैं, और वो जो सॉइल होती है, सॉइल माइक्रोब जो उसके अंदर होते हैं उसमें भी रिपीटेशन आ जाता है। तो सॉइल को रीयूज़ करते हैं हम बट अलग अलग क्रॉप्स के लिए, इससे हमारे क्रॉप्स हेल्दी बन जाते हैं और सॉइल पे भी इतना स्ट्रेस नहीं आता, क्योंकि हम जो माइक्रोब्स डालते हैं, जियो मैन्योर डालते हैं, उसकी वजह से सारा का सारा न्यूट्रिएंट उसका जो होता है वो बैलेंस हो जाता है और सॉइल फर्टाइल हो जाती है और उसका पीएच वैल्यू भी रिटेन किया जाता है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं किचन गार्डनिंग के बारे में। किचन गार्डनिंग दिखता है उतना आसान है भी नहीं, आप अगर किसी का प्रॉपर गाइडेंस लेते हो रेगुलर बेसिस पे, आपको उस पर वॉच रखना होता है और तभी जाके आपकी किचन गार्डन बहुत अच्छी बनती है। हमने बालकनी में भी किचन गार्डन्स ग्रो करा के दिए हैं, काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और अभी भी हमसे पूरी तरह से सलाह मांगते हैं, इतने सालों के एक्सपर्टाइज होने के बावजूद भी, क्योंकि उनका यही प्रॉब्लम होता है कि एक सीज़न गया तो दूसरे बार से उसे बाहर से कई बार लाना पड़ता है। तो वो ना हो तो हमसे जब कंसल्ट करते हैं तो हम उन्हें टाइम स्लैब देते हैं, कैलकुलेटेड टाइम स्लैब होता है। और सबसे बड़ी चीज़ वही होती है, इवन भिंडी जब हम ग्रो करते हैं ओकरा, तो भी हम यही देखते हैं कि अगर 4 जन का फैमिली है तो हम उस स्लैब में लगाते हैं, अगर 6 जन का फैमिली है उस स्लैब में लगाते हैं, उससे भी बड़ी जॉइंट फैमिली है तो उस स्लैब में लगाते हैं। जगह कितनी भी छोटी हो, अगर जहाँ पे जगह छोटी है वहाँ पे हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, जहाँ जगह बड़ी है वहाँ पे भी हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। मिक्स क्रॉपिंग करने की वजह से क्या होता है, ये सारे प्लांट्स एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं और अगर किसी प्लांट को डिसीज लग रहा है तो दूसरा प्लांट उसे बचाता है। तो मिक्स क्रॉपिंग हम रेगुलरली रिकमेंड करते हैं। लोग कहते हैं कि मिक्स क्रॉपिंग की वजह से प्लांट्स को तकलीफ होती है, तो नहीं होती है, हम रेगुलर बेसिस पे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर ही रहते हैं। एक 8 बाय 8 इंच का जो प्लांट है, मतलब पॉट है, उसमें आप 3 टाइप के प्लांट्स लगा सकते हो, बट आपको रेगुलरली वीकली आपको उसमें जियो मैन्योर डालना पड़ेगा, तभी जाके आपका अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो जाएगा। कोई भी प्लांट्स आप लगाओ साथ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
हम क्या देखते हैं, अगर ऊपर का हम सॉइल यूज़ कर रहे हैं तो नीचे का जो एरिया है पॉट का वो फ्री होता है, तो वहाँ हम कुछ भी उगा लेते हैं, पोटैटो उगाते हैं या फिर गार्लिक उगाते हैं या फिर अनियन उगाते हैं, जिंजर उगाते हैं, स्वीट पोटैटो उगाते हैं, बहुत कुछ उगाते हैं, तो कुछ नहीं तो एडिनियम के बल्ब भी उगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होते हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जिन्हें इनका लाभ हो। और करेला ऐसी सब्ज़ी है जो आपको रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट वंस इन अ वीक खानी चाहिए, अपने बॉडी में इंक्लूड करनी चाहिए। जिनको हाई डायबिटीज़ है वो अगर रोज़ सुबह उठ के एक चम्मच करेला का, रॉ करेला का जूस निकालते हैं और पीते हैं तो उसकी शुगर डाउन होती है, ऐसे पाया गया है। तो आप ट्राई करके देखिए, अगर आपको लाभदायक है तो अच्छी बात है। तो करेला ऐसा प्लांट है जो रेगुलर बेसिस पे लगाना चाहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।